नमस्कार दोस्तों, आर्ट अपडेटिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है 183 पॉइंट प्लस में और निफ्टी ओपन हो रहा है 32 पॉइंट प्लस में। बैंक निफ्टी 41,472 के आसपास ओपन हो रहा है और ऑलरेडी जैसा कि जो पहला रेजिस्टेंस है वो 555 के आसपास है। अगर 555 के लेवल को निकालता है तो वही 620 से लेकर 650, जो कि मैंने कल भी बताया था आप लोग को, तो वही एरिया है। देखिए, जब तक ये 555 के ऊपर क्लोज नहीं करता है डेली चार्ट में ना, तब तक वो मज़ा आएगा नहीं। बायर उतने एक्टिव होंगे नहीं यहाँ पर, बायर डोमिनेट नहीं करेंगे। बायर डोमिनेट तभी करेंगे जब ये 41,550 41,600 के जोन को निकाल के क्लोज करेगा, तब यहाँ पे बायर डोमिनेट कर सकते हैं। फिलहाल तो शायद फेड की मीटिंग है और अपने अभी शायद 3 तारीख को आरबीआई की भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो वहाँ भी उनकी भी मीटिंग है, तो वो भी ध्यान दीजिएगा। तो शायद मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड हो सकता है, ऊपर की तरफ 600 बैंक निफ्टी और नीचे की तरफ यहाँ पे 41,100 के आसपास के बीच में शायद घूमेगा एक दो दिन, उसके बाद ये किसी तरीके के मूव को डिसाइड करेगा। तो फिलहाल अभी जो यहाँ पे चार्ट देखते हैं हम लोग, तो चार्ट देखिए यहाँ पर पहले हम लोग यहाँ पे एक पुट लगा लेते हैं और कॉल लगा लेते हैं। 300 की कॉल लगी है जो कि थोड़ा सा ऊपर है, तो हम लोग सबसे पहले तो इसको डिलीट कर देते हैं और हम यहाँ पे लगा लेते हैं 400 की कॉल और 500 की पुट, यानी 41,400 की कॉल और 41,500 की पुट, 41,500 की पुट इन द मनी हमने दोनों यहाँ पे लगा ली है। तो 41,400 की कॉल जो है वो है यहाँ पे 254 के आसपास, जो कि ऊपर ओपन होगी, और पुट जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे थोड़े से चार्ट देखते हैं बैंकिंग के चार्ट। बैंकिंग का जैसा कि मैंने आपको कैंडल स्टिक की वीडियो समझाई थी कि कैंडल स्टिक का बिहेवियर, एक एक कैंडल के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। लास्ट वीडियो आप लोग देखिएगा, लास्ट वीडियो, तो वहाँ पे मैंने HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक का एग्जांपल दिया था। तो HDFC बैंक देखिए जैसे इस लेवल के ऊपर निकला, ये यहाँ पे इसका हाई लगाया 1530 और 1530 से 1540 डेली चार्ट पे इसके लिए रेजिस्टेंस जोन है, तो ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही पहुँच चुका है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ICICI बैंक पिछले 3 दिनों से 920 921 के पास जाता है और वहीं से नीचे आता है, तो देखते हैं आज ये 920 वाले लेवल को होल्ड करता है या उसी लेवल के नीचे वापस यहाँ पे आता है। एक्सिस बैंक काफ़ी वीक हो चुका है, तो इसका टारगेट मेरे ख्याल से 855 से लेकर 840 के बीच में कहीं पे होना चाहिए। SBI डेली ये भी एक ही चीज़ें कर रहा है कि ये 80, 84, 85 के आसपास तक जाता है और नीचे इसका 67, 70 एक सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा। कोटक बैंक भी ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में है, तो सब बैंक यहाँ पे थोड़े से अलर्ट रहिएगा। इंडसइंड बैंक जैसा कि मैंने बताया था कि 60 के लेवल को अगर होल्ड करता है तो ये वापस यहाँ पे 1220 के पास जाएगा, लेकिन नज़र बना के रखिए यहाँ पे इसने 60 के लेवल के नीचे ही कंटिन्यू चल रहा है। अगर इसकी क्लोजिंग 1130 के नीचे होती है तो ये काफ़ी वीक हो जाएगा इंडसइंड बैंक, तो इसके टारगेट फिर निकल के आ सकते हैं 1090, 1080 के भी। और यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी वापस ऊपर से ये नीचे 5 मिनट की कैंडल हमने लगा ली है, देखते हैं ये देखिए आगे अपनी जोन में। ध्यान रखिएगा कल के हाई को भी नहीं निकालता है मार्केट, कल के लो को भी नहीं निकालता है, तो थोड़ा सा शांति से बैठिए, तब हमें रेंज की ज़रूरत पड़ती है। कल के हाई को भी हम नहीं निकाल रहे हैं, कल के लो को भी नहीं निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर रेंज बनेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो अगर हम 475 से आ रहे हैं और आके यहाँ पर ये 200 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि ऑलरेडी हम 275 पॉइंट पहले 5-7 मिनट में गिर चुके होंगे, तो यहाँ पर भी ट्रेड लेना आपके लिए रिस्की होगा। तो सबसे पहला काम है अभी वेट करना। अगर मार्केट इस जोन में कहीं पर ओपन होता और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करता तो हम तुरंत यहाँ पे बैंक निफ्टी की पुट ले सकते थे या बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते थे। जबकि मार्केट कल की क्लोजिंग से ऊपर ओपन हुआ है लेकिन कल की हाई के नीचे ओपन हुआ, तो इसी जोन के बीच में थोड़ा ये टाइम बिताने दीजिए, फिर उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। ज़बरदस्ती के ट्रेड मत लीजिए, बस ट्रेडर बनना है तो ज़बरदस्ती के ट्रेड आपको लेने से बचना पड़ेगा, तभी जाके आप एक ट्रेडर बन पाओगे। नहीं तो आड़े टेढ़े कहीं भी ट्रेड लोगे तो फिर आड़े टेढ़े ही रिजल्ट आएंगे उसके, फिर रिजल्ट आपके साथ में नहीं आएंगे। आप लोग ये मत सोचो कि मार्केट आपके साथ में चले, आप मार्केट के साथ में चलने की कोशिश करो। ट्रेडर क्या करता है, रिटेलर क्या सोचता है कि मैं जैसा ट्रेड ले रहा हूँ मार्केट वैसा चले, वैसा मार्केट नहीं चलेगा। मार्केट अपनी तरीके से ही चलेगा, बस आपको जो अपना तरीका है, जो आप सोच रहे थे मार्केट आपके हिसाब से चले, आप मार्केट के हिसाब से चलना स्टार्ट कर दो, मार्केट आपको पैसा देना स्टार्ट कर देगा। बस ये चीज़ें ध्यान रखिए। जो हमारी 41,400 की कॉल वो 237, पुट जो है वो है यहाँ पे 346 और दोनों ही लॉस में है। बल्कि बैंक निफ्टी 40 पॉइंट ऊपर है लेकिन जो पुट कल की प्राइस से 15 पॉइंट नीचे यहाँ पे, सॉरी कॉल कल की प्राइस से 15 पॉइंट नीचे ही ट्रेड कर रही है। अब ये ठीक है, ये देखिए ICICI बैंक फिर से 920, यही धोखा दे के गया,
ऊपर ओपन करा दिया, नीचे आके आ गया 920 वाले लेवल को। देखिए ये निकाल नहीं पाया, ये लो को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा मूवमेंट, शायद कल का लो 67 या 66 का है, तो देखते हैं उस लो को निकालता है। ये भी 67 इसके लिए भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये 1920 1930 इसके लिए एक सप्लाई जोन है, उसी तरह से नीचे की तरफ 1900 इसके लिए एक सपोर्ट जोन है, तो उसी जोन के बीच में है। यहाँ पे आपको देखने में ये जरूर फील होगा कि यार मैंने यहाँ पे ले लिया होता तो मैं यहाँ पे निकल जाता, हो नहीं पाएगा, ये 10 में से एक बार दो बार ही होता है, क्योंकि सुबह की वॉलीडिलिटी इतनी ज़्यादा होगी ना कि वहाँ पे ट्रैप हो जाओगे। कोई कॉल लिया होगा तो कॉल का हाई देखेंगे कितना है, कॉल का हाई अगर देखा जाए तो कॉल का हाई लगाया है इसने 280 का, लो है 290, लो के आसपास ही चल रहा है। पुट का हाई जो देखते हैं वो लगाया है इसने 74, हाई के आसपास ही चल रहा है, लो है 94। अगर 94 का देख के कोई देखता है तो ऐसे नहीं ट्रेड मिल पाते हैं, ऐसे इस जगह पे हम ट्रेड ले ही नहीं पाएंगे। ये देखने के लिए आपको लगेगा कि यार ये तो पागल है, यहाँ से सेल करते, तो ऐसा नहीं होता है, चीज़ों को पहले समझना पड़ता है, एनालिसिस करनी पड़ती है। अब देखिए हम कल की क्लोजिंग के आसपास आ चुके हैं, और जैसा कि मैंने बताया है कि कल का क्लोज, कल का लो अगर हम ऊपर ओपन होते हैं तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, दोनों कल का लो और कल का क्लोज। इसी फ्लो में हम सेल नहीं कर सकते, मैं तो नहीं सेल करूँगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 475 के आसपास हम ओपन हो रहे हैं और हम आ चुके हैं 250 के आसपास, तो ऑलरेडी यहाँ पे 220 पॉइंट यहाँ से निकल चुके हैं पहले मूव में, तो यहाँ पे सेल करना होशियारी नहीं है, तो शांति से थोड़ा सा बैठना ज़रूरी है। यहाँ पे कोई इनसाइड कैंडल बनती है या फिर कोई कंसोलिडेट करता है तो फिर देखेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए ये जोन और ये जोन जो है ये सपोर्ट का जोन है, ये जोन सपोर्ट का जोन है, तो यहाँ पे ज़्यादा एग्रेसिव होकर ट्रेड करोगे तो ट्रैप हो जाओगे बस। निफ्टी शायद कल के, देखो निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 18100 का है, तो जब तक ये 18100 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये वीक नहीं है। बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से 41 से लेकर के 41125 ये स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के ट्रेड लेना पड़ेगा, कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड लेना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, नहीं तो जाके कहीं भी कितनी भी क्वांटिटी ट्रेड करोगे तो फिर पैसा बनेगा नहीं। यहाँ पर देखिए ICICI बैंक वीक है, देखिए 20 से 18 आ गया, एक्सिस बैंक वीक हो गया, SBI एक रेंज बना के चल रहा है उसी रेंज के अंदर है, कोटक ठीक ठाक जगह पे है, ना वीक है ना स्ट्रांग है, कल के हिसाब से देखा जाए तो मतलब मिला जुला ही है, तीन नीचे जा रहे हैं तो दो यहाँ पे पकड़ के भी बैठे हुए हैं, देखते हैं। कि अगर यहाँ पर मैं दो कंडीशन बताता हूँ ट्रेड लेने की अपनी, अगर ये इसी लेवल के आसपास मान लीजिए 300-350 के अंदर में और यहाँ 250 के अंदर में, यहाँ पे अगर ये दो कैंडल, 5 मिनट की दो कैंडल बनाने के बाद अगर ये गिरता है ना, तब मैं यहाँ पे सोचूंगा, लेकिन क्वांटिटी को कम रखूँगा, क्वांटिटी जो होगी वो लेस रहेगी, क्योंकि ना हम कल के लो को ब्रेक कर रहे हैं ना कल के हाई को ब्रेक कर रहे हैं, क्लोजिंग के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो क्वांटिटी यहाँ पर मैं कम रखूँगा। ऊपर जाते वक्त देखता हूँ रेंज किस तरह से बनती है, फिर वहाँ पे डिसाइड करूँगा, और साथ में बैंकिंग जो कंपोनेंट है इस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी, कंपोनेंट क्या कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आपकी नज़र नहीं है तो फिर ये आपका ट्रेड फेल हो जाओगे, फेल होने का मतलब ये है कि शायद आप 50 पॉइंट में निकल जाओ और शायद ये 100 पॉइंट का मूव दे, शायद आप 20 पॉइंट में डर के मारे सेल करके निकल जाओ और शायद उसी 20 पॉइंट से 70 पॉइंट ऊपर चला जाए, तो इसलिए थोड़ा सा कंपोनेंट पर नज़र मैं बना के रखता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस आता है कंपोनेंट के देखता हूँ। तो देखिए कल के लो के कल के क्लोजिंग के आसपास में ही थोड़ा सा ऊपर 29 पॉइंट ऊपर चला गया, उसी के आसपास ये थोड़ा सा टाइम बिता रहा, यहाँ पे 5-7 मिनट टाइम बिता लेना तो मज़ा है, इसी फ्लो में जाएगा तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको सेल करने में या बाइंग करने में, क्योंकि जब तक ये लोग या जो होगा जिन्होंने कल सुबह शायद सेल किया हो, कल शाम को शायद सेल करके गए होंगे, थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ तो थोड़ा इंतज़ार कर रहे, जैसे ऊपर से नीचे आया होगा थोड़ी बहुत वो क्वांटिटी वो लोग ऐड कर रहे होंगे यहाँ पे, तो ये जो बायर है ये स्ट्रांग बायर नहीं है, ये वीक बायर है, ये ध्यान रखिएगा, ये बायर वीक बायर है। इस बायर को स्ट्रांग होने के लिए ना इस जोन के ऊपर यहाँ पे जाके टाइम बिताना पड़ेगा, यहाँ पे अगर टाइम बिता के फिर निकलता है ना तो ये स्ट्रांग बायर यहाँ पे आएंगे,
अभी यहाँ तक ये सेलर ही रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक ये आप मत समझा कि ये बायर आ रहे हैं, ये बायर बिल्कुल नहीं आ रहा है। स्ट्रांग बायर या मोमेंटम बाइंग कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी जब ये यहाँ पे टाइम बिताएगा। ध्यान रखिएगा इसी फ्लो में निकलता है तो भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे इसको टाइम बिताना चाहिए, 20 मिनट, 10 मिनट, 25 मिनट, यहाँ पे टाइम बिता के निकलेगा तो फिर स्ट्रांग बायर आएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जरा थोड़े थोड़े बैंकिंग के चार्ट भी देखते चलते हैं, अब किस तरीके का मूवमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ खास नहीं है, ये देखिए ऊपर से आया, रोज का जैसा बनाया इसने, हर दिन का इसका यही रूल है। ये कल के लो के आसपास ये भी अभी ट्रेड कर रहा है, SPI कल के लो के आसपास ये भी है, ये काफ़ी कंसोलिडेट किया है यहाँ पे 900-1900 से लेकर 1910 के बीच में। तो अगर यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट करता है तो फिर कुछ मूवमेंट यहाँ पे समझ में आएगी। ये इसका 60 का, इसका भी डेली का नाटक है, इंडसइंड बैंक का भी डेली का ही नाटक है। ये देखिए डेली 60 के आसपास जाता है, यहीं से घूम जाता है। आज की कंडीशन कुछ अच्छी लग रही है क्योंकि हर दिन देखिए ऊपर से नीचे आता है। आज ये नीचे ओपन होकर 46 पे ओपन होकर ये ऊपर की साइड में जा रहा है, तो आज अगर ये 60 के आसपास कहीं पे क्लोज करे तो मुझे लगता है कल अच्छा मूवमेंट ये दे सकता है। अगर आज ही निकल जाए तो यहाँ पे 8-10 रुपये का SL लगा के कोई मूव ले सकता है, लेकिन 60 के ऊपर ये सस्टेन करना चाहिए तभी यहाँ पे एक मूवमेंट बनेगी। ठीक है, तो इसी जगह पे ट्रेड कर रहा, 16 पॉइंट अभी भी हम लोग यहाँ पे प्लस में है। और निफ्टी का जब बैंक निफ्टी को देखते हैं, 5 मिनट का चार 15 का चार्ट देख लेते हैं। हाँ, ये सपोर्ट है इसका, ये समझ के रखिएगा, 1800 से सपोर्ट, इसका सपोर्ट लेवल है, उसी लेवल के आसपास आया था शायद, इसने लो लगाया है 1810 का लो लगाया है, तो 18100 इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। ये 15 मिनट की कैंडल है जो कि कुछ बता नहीं रही, ये कैंडल अभी कुछ नहीं बता रही हमें कि हमें क्या करना चाहिए। अभी ये कैंडल कोई डिसाइड कैंडल नहीं बना पा रही, ना बता पा रही हमें कि क्या करना है। तो अभी ये कैंडल बता रही है कि आप इंतज़ार करो, इंतज़ार नहीं करोगे तो ट्रैप हो जाओगे। ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड मिली जाए, हर समय ट्रेड ढूंढने की कोशिश मत करो। आप लोग ट्रेड ढूंढने लगते हो, जब ढूंढोगे ट्रेड तो हर 2 मिनट पर आपको, हर 1 मिनट पर ट्रेड आपको दिखेगा, हर कैंडल पर आपको ट्रेड दिखेगा। ट्रेड ढूंढो मत, ट्रेड को बनने दो, बनने के बाद ट्रेड को बस इम्प्लीमेंट करना है आपको। जैसे बता ना 10 मिनट अगर इसी जोन में, इसी रेंज में 10 मिनट अगर रुकता है और फिर ये लेवल को ब्रेक करेगा तो शायद एक मोमेंटम हमें मिल सकता है। ठीक है, वहाँ पे हम 70 से लेकर के 90 पॉइंट के बीच का SL रखेंगे इंडेक्स का। वहाँ पे इंडेक्स का अगर इतना रखा है, आज बुधवार है तो मान के चलो कि 70 से 90 पॉइंट है, तो 40 से 50 पॉइंट का अपना प्रीमियम भी यहाँ पे डाउन होगा, यानी SL भी हमारा 40 से 50 पॉइंट का बन जाएगा, यानी 12-13% का। मुझे जाना भी है थोड़ा सा, तो कोशिश करूँगा अगर ट्रेड मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो को क्लोज़ करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो को 9:45-9:50 तक ओपन रख सकता हूँ, वेट कर सकता हूँ, उसके बाद फिर अगर कुछ रहेगा तो मैं बाद में आप लोग के लिए वीडियो डाल दूँगा। ट्रेड करूँगा तो डाल दूँगा, नहीं करूँगा तो नहीं डालूँगा। सुबह ट्रेड नहीं मिलेगा ना तो फिर बाद वाले ट्रेड में थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस कम ही होता है, सुबह के ट्रेड में प्रॉफिट लॉस अच्छा हो जाता है, प्रॉफिट बनेगा तो भी अच्छा बनेगा और लॉस जाएगा तो भी 2-3 मिनट के अंदर में आपका काम करके चला जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे ये सोचते होंगे कि ये सपोर्ट है, सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे तो ट्रेड करें, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये ट्रैप जोन होते हैं, ये सब जो जोन होते हैं ना ये सब ट्रैप जोन होते हैं कि हम यहाँ पे सपोर्ट मान के चले। सपोर्ट हम नहीं माने, सपोर्ट कब मानता मैं, जब यहाँ पे ये कंटिन्यू रुकने के बाद कुछ निकलता तो ठीक है, इसी फ्लो में यहाँ से आया, इसी फ्लो में यहाँ से चल दिया, मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, छोड़ दिया, कुछ नहीं पड़ गया। पैसा नहीं जाना भी एक कला है कि पैसा आप नहीं दे रहे हो मार्केट को, आप अपने सेटअप को बनने दीजिए। हर कैंडल को देखोगे ना तो आपको लगेगा यार ये नीचे पे हमने खरीद लिया होता 275 पे, तो अभी 375 चल रहा है, 100 पॉइंट का मूव हमने पकड़ लिया होता, ये होता नहीं है। ऐसा सबसे ज़रूरी है कि अपने आप को कंट्रोल में रखो आप, कि भाई मेरा सेटअप बनने दो। अभी मैंने 2 चीज़ें आप लोग को बताई यहाँ पे कि नीचे की साइड में क्या करेगा तो हम देखेंगे, और ऊपर की साइड में यहाँ पे आके अब यहाँ पे टाइम बिताए, यहाँ पे टाइम बिता के निकलेगा तब इसी फ्लो में जाएगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है।
मैं इसके हिसाब से नहीं, देखो सेटअप तो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, चलूंगा मार्केट के हिसाब से, लेकिन सेटअप मेरे हिसाब से सेटअप मार्केट बना के निकलता है, तब मैं मार्केट के साथ हो जाऊंगा। जिस तरीके से लास्ट डे का हाई लो इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से अब अगर यहाँ पे मार्केट मान लीजिए आधे घंटे हो जाते हैं, आधे घंटे 45 मिनट, तो उसके बाद हमारा आज का भी हाई लो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब नंगा इसमें नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या इसके बीच में, अगर ये ट्रेड करेगा तो इसके बीच में सही जगह पर कुछ चीज़ें मिलेंगी तभी हम ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अभी अगले 5-10 मिनट में अगर इस हाई और लो को ब्रेक नहीं करता है तो ये हाई और लो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आज की ट्रेडिंग के लिए। निफ्टी का आज का हाई जरा देख लेते हैं, आज का हाई निफ्टी ने क्या लगाया, 78 का हाई लगाया निफ्टी ने, 200 के पास रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए भी आज के लिए, और 100 के पास में सपोर्ट है। से लहरा के तू रूबरू हो गई, से लहरा के तू रूबरू हो गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर एहसान दिल में जो आई मजा आ गया, मेरे नस्तों को नजर से मिलाई मजा आ गया। बोलो ना ये सब जो है यहाँ पे जो आएंगे ना ये वीक बायर रहेंगे, ये बायर नहीं रहेंगे, बस ये ऐसे जिनको कुछ टेक्निकल से मतलब नहीं है, जिनको खाली ट्रेड लेना है, ये वो लोग आते हैं यहाँ पे, और जिनको टेक्निकल से मतलब है वो लोग यहाँ पे होंगे। थोड़े लोगों ने इन्होंने सेल कर दिया वापस, ये नीचे की साइड में आ गया, तो अभी हम इंतज़ार करेंगे, हम अपनी रेंज का इंतज़ार करते हैं कि हमारी रेंज मार्केट निकाले, फिर हम सोचे क्या करना है, साथ में कंडीशन भी देखेंगे वहाँ पे कितना ऊपर से मूव करके आ रहा है, उस जोन के आसपास कितना रुक रहा है। तो फिर से देखिए 400 के पास से हम आ रहे हैं, 400 के पास से 200 को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हड़बड़ी में हमें नहीं घुसना है। अब टाइम बिता, देखो टाइम चाहिए अपने पास, टाइम बिताना चाहिए। अब चार बैंक रेड में आ चुके हैं यहाँ पे, ICICI, एक्सेस, SBI एंड कोटक। ये तो अपनी कल वाली रेंज पे ही है, ये अपनी रेंज के अंदर में ही फंसा हुआ है, ये 1900 का सपोर्ट यहाँ पे है।
पूजा नहीं आई? ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ये टाइम पास कर रहा है अभी, कुछ देगा नहीं लग रहा आज। पहले तो किसी को पकड़ेगा, ये रिटेलर को पकड़ेगा पहले, इसी जोन के बीच में उनको पकड़ेगा, और पकड़ने के बाद ही बताएगा कि क्या करना है इसको। देगा भी तो कुछ बड़ा प्रॉफिट आज देगा नहीं, ये मत समझ के ट्रेड करना कि कुछ बड़ा मिलेगा। मुझे लग रहा है, मतलब ऐसा लगे कि बड़ा मिलेगा तो मुझे नहीं लग रहा कुछ बड़ा मिलेगा। कल वाले सीजन, कल परसों में यहाँ पे काफ़ी बाइंग हुई थी, फिर निकले थे, तो ये जोन फिर से उसी रेंज में घूम रहा है। ये ऊपर वाली भी रेंज और नीचे वाली भी रेंज, दोनों लगभग ऐसे ही रेंज दोनों बना रहा है ये। उसके बाद फिर नीचे आएंगे फिर 100 के पास। वही मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा बड़ा कुछ मिलेगा नहीं है, 100 पॉइंट के पास सपोर्ट है, तो क्लियर कट एक 100 पॉइंट का मूव हमें नहीं लगता जल्दी मिलेगा आज। अगर यहाँ पे बहुत टाइम बिता दे, यानी यहाँ पे 1.5-2 घंटे इसी जोन के बीच में, 250 और 350 के बीच में 1.5-2 घंटे निकालने के बाद अगर किसी साइड में निकलेगा, फिर वो 100 से 120 पॉइंट का मूव बिल्कुल रॉकेट की तरह मिलेगा हमें, बिल्कुल रॉकेट की तरह वो मूव मिलना चाहिए। मतलब 10 में से 9 बार ऐसे ही करता है, 10 में से 8 बार ऐसे ही करता है कि इस जगह अगर बनाएगा फिर रॉकेट मूव देगा, लेकिन उसके लिए 1.5-2 घंटे का यहाँ पे कंसोलिडेशन होना चाहिए, तभी मिलेगा वो। बहुत सारी पोजीशन बन जानी चाहिए, बायर की भी, सेलर की भी, बायर की भी, सेलर की भी, फिर जिस साइड में जाएगा उस साइड की एक पोजीशन कटेगी और दूसरे ऐड होंगे वहाँ पे। गले में थोड़ी सी खराश हो चुकी है, खिच 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 हो चुका है गला पूरा। क्या होगा भाई, चलो
पे रॉबिन हुड बनने की ज़रूरत नहीं है बीच में कि ऊपर ही जाएगा नीचे ही जाएगा, भाई जाने दो जहाँ जाएगा, पहले एक बार कहीं निकले तो सही, तो हम देखेंगे क्या करना है। तो ये बीच में रॉबिन हुड बनने की ज़रूरत है नहीं। दस मिनट तक और रखूँगा वीडियो को ऑन, ट्रेड मिला तो ठीक है, नहीं तो कोई बाद में ट्रेड बनेगा तो बताऊँगा आप लोग को। कुछ नहीं कर रहा, टाइम पास कर रहा खाली, बस आपको मजबूर कर रहा कि कुछ ना कुछ करो अब, ठीक है। तो ये इसी कंडीशन से बचना है जब मार्केट कुछ नहीं, देखो चार्ट में देखो कुछ नहीं दिख रहा कि क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जब चार्ट में कुछ दिख ही नहीं रहा करने के लिए तो वहाँ पे ज़्यादा एग्रेसिव होकर कुछ करो मत कि नहीं छोटी सी क्वांटिटी से कर लेता हूँ, कुछ कर ही लेता हूँ, वो आदत ख़राब होती फिर। डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करोगे कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद ऐसे लो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन इसी जगह पे ट्रेड लेंगे 10 पॉइंट ऊपर जाएगा 20 पॉइंट नीचे आएगा तो कोई मज़ा रहेगा नहीं फिर ना, फिर ज़बरदस्ती डर बनेगा, वो डर अंदर अंदर धीरे धीरे आपके सही ट्रेड जब लोगे ना तो भी वो डर उसी तरह से कायम रहता है फिर। तो गलत ट्रेड से बचना चाहिए, गलत ट्रेड से बचे रहोगे ना तो शायद सही ट्रेड में अच्छी तरह से आप खड़े रह सकते हो, प्रॉफिट वाले ट्रेड में अच्छी तरह से खड़े रह सकते हो। जब आप इस गलत ट्रेड में घुसते हो 10 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट नीचे 10 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट नीचे, तो उसमें क्या होता है, ऐसे आप पांच ट्रेड करने के बाद जब छठा सातवां ट्रेड आपका बहुत अच्छा ट्रेड होगा ना तो भी आपका माइंड सेट उसी तरीके से काम करेगा कि यार 10 पॉइंट ऊपर जाके 20 पॉइंट नीचे आ जाएगा, जबकि उस बार शायद वो कंटिन्यू 50 पॉइंट 60 पॉइंट ऊपर जाएगा। लेकिन आपकी आदत बन चुकी है, आपके दिमाग में ये चीज़ें घर कर चुकी है कि मार्केट इस तरीके से चलता है क्योंकि आपने ट्रेड गलत लिया है। तो गलत ट्रेड से अगर बचोगे तो सही ट्रेड में ज़्यादा देर तक होल्ड कर पाओगे, यानी प्रॉफिट वाले ट्रेड में आप बैठ सकते हो। गलत ट्रेड में माइंडसेट गलत बन जाएगा तो फिर सही ट्रेड में भी आप रुक नहीं पाओगे। तो इसलिए मार्केट को डिसाइड करने दो कि किधर उसे जाना है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमें ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। मार्केट खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहा तो आप क्यों डिसाइड करने के लिए घुस रहे हो कि नहीं ऐसा ही करेगा। वैसे भी कल के हाई लो के अंदर में ही ट्रेड कर रहा है अभी भी, सॉरी कल का क्लोजिंग आज का हाई लो के अंदर में ही अभी भी ट्रेड कर रहा है। पहले एक तरफ निकलने तो दो, कहीं पे कहाँ से लोग आएंगे, बायर या सेलर कैसे आएंगे आप बताओ ना। हमने आज का हाई लो, कल का तो ठीक है कल का लो हमने ब्रेक नहीं किया, कल की क्लोजिंग के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं, आज का जो हमने हाई बनाया उसके ऊपर निकल नहीं रहे, आज का जो लो बनाया है उसी के आसपास तक हम आके बीच में हम ट्रेड कर रहे हैं। तो ट्रेड बायर या सेलर जो बड़ा पैसा लगाने वाला वो क्यों लगाएगा पैसा यहाँ पे, ये भी तो आप सोचो। कहीं तरह उसको डिसाइड तो करने दो, उसको लगने तो दो। बड़े पैसा जो लगाने वाले हैं, बड़ा पैसा जो इंटरडे में बहुत सारे लोग बड़ा पैसा लगाते हैं, तो उस बड़े पैसे को डिसाइड करने दो, मार्केट को डिसाइड करने दो कि मैं ऊपर जाऊंगा, तब वो बड़ा पैसा लेके आएगा यहाँ पे, तो उसी फ्लो में आपका पैसा बन जाएगा। आप मत डिसाइड करने बैठो, आप डिसाइड करने दो मार्केट को, उसके बाद आप खाली ट्रेड लेना डिसाइड करो, मुझे कहाँ पर ट्रेड लेना है बस, और किस कंडीशन पर ट्रेड लेना है। HDFC तो होल्ड कर रहा है 22 कंटिन्यू, बल्कि बाकी सब के सब SBI भी होल्ड ही कर रहा है, SBI भी कुछ वीक नहीं है। ICICI वही है 20 के पास, वो डेली का उसका रेजिस्टेंस है तो वो मुझे नहीं लग रहा फिर आज निकालेगा वो। एक्सिस बैंक भी सेम कंडीशन बना के रखा है, कल वाले लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, कल काफ़ी वीक था तो हो सकता है आज रुक जाए थोड़ी देर, उसके बाद सेकेंड हाफ में गिरना स्टार्ट करे, आज होल्ड कर दे तो कल गिरना स्टार्ट करेगी। इसको आना मेरे ख्याल से 50 तक आना है, 850-855 के जोन में आके कुछ सपोर्ट ले सकता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो 40 के आसपास में है, 940 के आसपास, 840 के आसपास में है एक्सिस बैंक में। अच्छा मार्केट ओपन हुआ तभी से मैं उतारने, तो कई सारे लोग बोलेंगे कि ट्रेड लेके बैठा होगा कुछ, तो यहाँ पे कोई ट्रेड अभी नहीं लिया हो,
ऑर्डर बुक में कुछ नहीं है, ट्रेड में कुछ नहीं है, ठीक है। ये निकला, ये भाई साहब निकले, ये देखिए क्या जबरदस्त। कल का लो को इसने ही ब्रेक नहीं किया है, ये भी शायद थोड़ा सा निकलेगा, ये थोड़ा सा, ये भाई साहब भी निकल नहीं रहे ना, और ये वाले तो अलग ही धुन में चल रहे हैं, ये तो इनका तो रोज का ही हो चुका है। कल हम लोग 1 बजे से इसी जोन के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, ये जोन अब ठीक ठाक जोन बनेगा। HDFC बहुत निकल चुका है अभी, हाँ हेलो, हाँ ठीक है दे दो, हाँ चलेगा, हाँ ठीक, यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अभी इसी यहाँ से, क्योंकि कंटिन्यू गया ये इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। 232 से जा रहा है ये, यहाँ पे अगर एक रेड कैंडल बन जाए, एक इनसाइड कैंडल बन जाए तो मैं ट्रेड ले लूँगा यहाँ पे। एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बन जाए तो देखूँगा ट्रेड के लिए, नहीं तो नहीं।
47 गया HDFC, HDFC लेके जा रहा है ये। अच्छा, आप लोग को ये लाइव वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताते रहिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, सब्र करना ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में अपने सेटअप बनने का। आपका सेटअप नहीं बनना, बिना बने निकल रहा है तो छोड़ दीजिए, ज़्यादा कुछ दिमाग वहाँ पर मत लगाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा दिमाग लगाएंगे उतने ज़्यादा आप ट्रैप होने के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। बस मेरा यहाँ पर व्यू ये था कि यहाँ पर ये एक आध कैंडल रुक के अगर निकलता तो शायद मैं ट्रेड ले लेता, क्योंकि ऑलरेडी ये आ रहा है यहाँ पे देखा जाए तो 232 के आसपास से कंटिन्यू 425 यानी 200 पॉइंट यहाँ से निकल चुके हैं। तो ये 200 पॉइंट निकलने के बाद में इस जोन में यानी मार्केट जो कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज छोटी सी उसी रेंज में फंसा है, तो शायद 200 पॉइंट के बाद प्रॉफिट बुकिंग हो जाए तो फिर हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये 280 अभी चल रहा था, 267 चल रहा है ये कॉल। यहाँ पर कोई छोटी कैंडल बननी चाहिए, कोई रेड कैंडल एक बन जाए तो भी हमें समझ में आए कि हाँ कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया है। ये रेड कैंडल भी ज़रूरी है, जैसे ये रेड कैंडल अभी दिख रही है, इसकी रेड कैंडल ही बन जाए तो भी ठीक है ये। फिर देखिए, अगर हमने यहाँ पे ट्रेड अगर इसी फ्लो में आप लोग जो ट्रेड ले लेते हो कि बस ब्रेकआउट हो चुका, भाई ब्रेकआउट हो चुका ठीक है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ता है कि घोड़ा दौड़ते दौड़ते कहाँ से आ रहा, तो क्या यहाँ पे थक सकता है घोड़ा? तो हाँ, यहाँ पे घोड़ा थक सकता है, क्योंकि 200-250 पॉइंट एक तो रेंज के अंदर में, हमने कोई ब्रेकआउट नहीं दिया, हम रेंज के अंदर में ही 200 पॉइंट मूव कर चुके हैं। तो फिर 200 पॉइंट मूव के बाद में इसी तरह की सिचुएशन बनती है, फिर ये जो भी 280 चल रहा था ये 230 हो गया, 5 मिनट में आपके एसएल हो जाएंगे। डर लगेगा, अरे यार हमने तो ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया लेकिन फिर हमने मेरा एसएल हो गया, तो मार्केट तो यार ब्रेकआउट भी ये बराबर नहीं है। ब्रेकआउट लोग क्या बोलते हैं, यार ब्रेकआउट कुछ नहीं होता, सब फंस जाते हैं। तो आप गलत जगह पे ट्रेड लेते हो, बस इसी चीज़ों को आपको समझना है। ये कैंडलस्टिक बहुत सारी चीज़ें बताती है, ये मूवमेंट बहुत सारी चीज़ें बताती हैं, बस इसको क्लोजली ऑब्जर्व करना है आप लोग को। जैसे हमने बताया ना कि एक रेड कैंडल बन जाए तो ये रेड कैंडल हमें बताएगी कि क्या करना है। ये रेड कैंडल एक इसी जोन में कहीं पर बनती रहती, फिर ये निकालता तो फिर हम यहाँ पर छोटी सी क्वांटिटी एक ट्रेड कर सकते थे, लेकिन रेड कैंडल ऐसी यहाँ पे आके बन रही है, इतना नीचे आके बाद यहाँ पे क्लोज करेगा तब फिर मैं इंटरेस्टेड यहाँ पे शायद उतना नहीं रहूँगा। लेकिन अगर इसी जोन ये कैंडल जो है इस कैंडल को ब्रेक नहीं करता तो हमें लगता है कि हाँ ये बायर के कंट्रोल में है, यानी अब यहाँ वाले बायर सब निकल चुके हैं, ये वाले बायर को भी यहाँ पर मार्केट ने कवर कर लिया है इसमें, तो यानी दो बायर को तो मार्केट ने कवर कर लिया है यहाँ पर।
अब देखते हैं ये क्लोज कहाँ पे करता है, 53 हो गया, 2 मिनट के बाद देखते हैं ये क्लोज कहाँ पे करता है। अगर ये क्लोज आके यहाँ पे कर दे इसी जगह पे, तो फिर लगेगा कि हाँ ठीक है बायर फिर से नीचे आ गए, नहीं तो क्या लगेगा कि ये सेलर फिर से यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं और सेलर ने इन दो बायर को खा गए यहाँ पे, यानी इन दो बायरों को सेलर ने ख़त्म कर दिया। आज मार्केट इतना आसानी से नहीं देने वाला है। कल मार्केट ने दो मूव बड़े अच्छे दिए हम लोग को, और मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में, प्रीमियम जो हमारा लर्निंग ग्रुप है उसमें हमने पोस्ट भी किए थे। तो अगर आप भी हमारा प्रीमियम लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, रिलायंस, ब्लू फायर, ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ, इंपॉर्टेंट चार्ट लेवल पोस्ट करते रहता हूँ, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। सारा चीज़ें सीखने का है, ऑब्जर्वेशन का है, कितनी आप ऑब्जर्व कर पाते हो, अवेयरनेस कितनी है आपको, कितना आप रीड करते हो कैंडल स्टिक को, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट को, बैंक निफ्टी के चार्ट को, वही आपको पैसे देगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, हमने टाइम खाली दे दिया मार्केट को 1 घंटे का, मार्केट ने हमें कुछ नहीं दिया, तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह आना, टाइम गया हमारा आज, कुछ मिला नहीं, मार्केट ने हमें कुछ नहीं दिया यहाँ पे।